नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण करना, अर्थात अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रतियोगी बाजार की उपस्थिति में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, एक फर्म सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि की अवस्था में किस प्रकार मजदूरी दर से प्रभावित होती है। तो आइए हम देखते हैं वेज या मजदूरी। हम जानते हैं कि मजदूरी जो होती है वो वास्तव में श्रम करने का प्रतिफल होती है, अर्थात यदि हम कोई भी श्रम करें, चाहे वो श्रम आपके द्वारा किया गया श्रम, चाहे वो शारीरिक श्रम हो, चाहे शारीरिक श्रम हो और चाहे आपके द्वारा किया गया श्रम मानसिक श्रम हो, यानी चाहे आपके द्वारा शारीरिक श्रम किया जाए, चाहे मानसिक श्रम किया जाए, इसके प्रतिफल में जो भी आपको अवार्ड मिलता है वो कहलाता है मजदूरी। तो आधुनिक सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे उससे पूर्व जान लेते हैं कि वास्तव में 1870 ईस्वी तक मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत प्रचलित रहा, जिसे और हम जीवन स्तर सिद्धांत भी कहते हैं और अवशेष भागी सिद्धांत के नाम से भी यह जाना जाता है। 1930 तक जो हमारे पास प्रचलित था, सबसे ज्यादा पॉपुलर था, वो था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज थ्योरी, यानी श्रम का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, श्रम का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ठीक है, 1930 के आसपास ये सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन आफ्टर 1930 के बाद प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया, क्या कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया, जो प्रतिपादित किया उसे श्रम का मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर सिद्धांत डेवलप किया, जिसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज के नाम से जान सकते हैं, अर्थात मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल द्वारा डेवलप सिद्धांत को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि जहां पर अर्थव्यवस्था में श्रमिक की मांग और श्रमिक की पूर्ति जहां पर बराबर होगी, अर्थव्यवस्था में वहीं पर इक्विलिब्रियम वेज का निर्धारण हो जाएगा, संतुलित मजदूरी का निर्धारण वहीं पर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के आधार पर वास्तव में आधुनिक मजदूरी के सिद्धांत में मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। हम आपको पुनः बता दें, मजदूरी श्रमिक के मानसिक या शारीरिक या मानसिक श्रम का प्रतिफल है। अब हम आइए देखते हैं प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, यानी वेज डिटरमिनेशन किस प्रकार से हुआ। हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर डिमांड ऑफ लेबर इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, सप्लाई ऑफ लेबर के, वहीं पर हमको डिटरमाइन हो जाएगी इक्विलिब्रियम वेज, अर्थात वहीं से हमको वेज का निर्धारण। तो अर्थात डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इस पर निर्भर करता है अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण। अब आप ये जानते हो कि वास्तव में जो श्रम की मांग होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, श्रम की जो मांग होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती बल्कि अप्रत्यक्ष होती है। वो प्रत्यक्ष होती है, वास्तव में श्रम की मांग वस्तु की मांग से इंटरलिंक होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में यदि वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की मांग बढ़ेगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि वस्तु की मांग पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग कितनी है, उसी के अनुरूप श्रम की मांग भी होगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि श्रम की मांग वास्तव में व्युत्पन्न मांग है, व्युत्पन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में
ड्राइव द डिमांड कहते हैं, अर्थात ये स्वयं डायरेक्ट इसकी मांग न करके अन्य यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से इसकी मांग इंटरलिंक होती है, इसलिए इसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ये एग्जाम पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा गया है, पीजीटी में बहुत ज्यादा पूछा गया कि कौन सी ऐसी मांग है जो प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष होती है, तो आप बोलिएगा श्रम की मांग। क्लियर है? पीजीटी में बहुत ज्यादा पूछा गया है और यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि व्युत्पन्न मांग है, इंग्लिश में याद रखिएगा ड्राइव द डिमांड के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास देखते हैं कि डिमांड ऑफ लेबर क्या होती है। तो वास्तव में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड ऑफ लेबर जो श्रम की मांग होती है, श्रम की जो मांग होती है वो वस्तुओं की मांग से डिपेंड होती है, वस्तुओं की मांग पर निर्भर होती है, वस्तुओं की मांग पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार ये जो डिमांड होती है, ये ड्राइव्ड डिमांड होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। यदि श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग है, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है। यदि वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अधिक होगी तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की मांग भी अधिक होगी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ड्राइव डिमांड के रूप में श्रम की मांग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिमांड ऑफ लेबर के अंतर्गत स्टडी करना चाहिए, वास्तव में इलास्टिसिटी कितनी है। इलास्टिसिटी, पहली चीज तो हम इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी देखेंगे। अगर इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी वस्तु की मांग की लोच, वस्तु की मांग की लोच, अगर वस्तु की मांग की लोच लोचदार है, ठीक है, तो श्रम की मांग भी लोचदार होगी, श्रम की मांग भी लोचदार होगी। अब इसका तात्पर्य क्या है? वस्तु की मांग लोचदार होने का तात्पर्य कि अर्थव्यवस्था में यदि किसी वस्तु का मूल्य थोड़ा सा बढ़े, मूल्य में 10% परिवर्तन हो, तो उसकी डिमांड जो होती है वो मोर देन 10%, मान लीजिए डिमांड में परिवर्तन कितना आ जाता है, डिमांड जो डिक्लाइन होती है वो वास्तव में हो जाती कितनी आपकी, हो जाती मान लीजिए 15%। तो इसी प्रकार श्रम की मांग लोचदार होने का तात्पर्य यह होता है कि अगर वस्तु की मांग लोचदार है तो श्रम की मांग ऑटोमेटिक, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में ज्यादा तेजी से परिवर्तन होगा, जब वस्तु की मांग में तेजी से परिवर्तन होगा तो श्रम की मांग में भी तेजी से परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार श्रम की मांग का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, श्रम की मांग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लोचशीलता है, आपको ही याद रखना। और ये लोचशीलता, वस्तु की लोचशीलता ही डिमांड ऑफ लेबर की लोचशीलता को निर्धारित करेगा, यानी इलास्टिसिटी या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट विल बी डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड करेगी किसकी, श्रम की मांग की लोचशीलता। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि वस्तु की मांग लोचशील है, लोचशील है, तो श्रम की मांग भी लोचशील होगी। क्लियर है? अर्थात अगर वस्तु की मांग तेजी से बढ़ रही है या घट रही है तो श्रम की मांग भी तेजी से बढ़ेगी या घटेगी, इसका तात्पर्य। अब हमारे पास होता है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम वास्तव में श्रमिकों को कितना तेजी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। यदि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं को हम लोग मांग बढ़ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप डिमांड ऑफ लेबर को हम कितना तेज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितनी स्पीड में ला रहे हैं, इन द रिस्पेक्ट ऑफ मशीन। क्योंकि याद रखना, मार्केट पर डिमांड बढ़ने के साथ साथ डिमांड ऑफ मशीन भी बढ़ेगी, मशीन की डिमांड बढ़ेगी,
बट इसे हम लॉन्ग रन में ही पूरा कर पाएंगे, बट डिमांड ऑफ लेबर को हम लोग शॉर्ट रन में पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हम कितना तेजी से सब्स्टिट्यूट करते हैं ये भी डिमांड ऑफ लेबर को डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा डिमांड ऑफ लेबर डिपेंड करता है किस पर, इस इट्स प्रोडक्टिविटी पर। अगर श्रम की सीमांत उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता ज्यादा होगी तो याद रखना जो पूंजीपति वर्ग है या जो मैनेजर है वो अधिक श्रमिक की डिमांड करेगा, अधिक श्रम की मांग की जाएगी, मांग की जाएगी। क्यों? सीमांत उत्पादकता अधिक है तो अधिक से अधिक जो मैनेजर होगा, जो उत्पादक होगा, क्योंकि वास्तव में उत्पादक अधिक से उत्पादकता प्राप्त करने के कारण उसका लाभ ज्यादा होगा, जब लाभ ज्यादा होगा तो उसके कारण डिमांड ऑफ लेबर भी ज्यादा होगा, ये याद रखना। तो श्रम की मांग जो होती है वो वास्तव में उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे श्रम की मांग बढ़ती जाती है उसके द्वारा प्राप्त सीमांत उत्पादकता लगातार घटती चली जाती, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर कंटिन्यू डिक्लाइन करता चला जाता है। तो यदि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर, यदि श्रम की सीमांत उत्पादकता यदि ऊंची है, यदि ये हाई है, तो डिमांड ऑफ लेबर भी हाई होगा। इसका कारण क्या होता है, उत्पादक को अधिक लाभ मिलता है। क्लियर है? आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर को आधार अक्ष पर लिया गया है, तथा लंब अक्ष आपका वाई है, तथा इस पर हमने मजदूरी को लिया है। क्लियर है? अब हमारे पास ये मांग रेखा है, डिमांड ऑफ लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर है, दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ये वास्तव में निगेटिव स्लोप का है। अर्थात अगर मान लीजिए हम ए पॉइंट पर हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी ओ डब्ल्यू है, अर्थव्यवस्था में मजदूरी ओ डब्ल्यू है, ये वेज है, अर्थव्यवस्था मजदूरी ओ डब्ल्यू है, तो श्रम की मांग कितनी है, ओ एल है, ये डिमांड ऑफ लेबर है। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी कम होकर ओ डब्ल्यू एन हो जाती है, ये न्यू वेज है, न्यू वेज है। अगर ये वेज डिक्लाइन होकर जाती है तो देखिए श्रम की मांग पहले से बढ़ जाती है, ओ एल वन हो जाती है, न्यू डिमांड ऑफ लेबर हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हम देखिए श्रम मजदूरी कम होने के कारण श्रम की मांग बढ़ जाती है, और मजदूरी बढ़ने के कारण श्रम की पूर्ति कम हो जाती है, यानी मांग कम हो जाती है, तो हम बी पॉइंट पर आ जाते हैं। इसलिए श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का पाया जाता है, मजदूरी घटने पर श्रम की मांग बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग घट जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं पोस्ट्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति कौन करता है, श्रमिक करता है, और श्रमिक को क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। श्रमिक पूर्ति करता है, भाई हम है श्रमिक, मैं मुझे क्या चाहिए, इसके बदले में रिवार्ड चाहिए, रिवार्ड क्या है, मजदूरी है। दृष्टिकोण से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ वेज, यानी श्रम की जो पूर्ति है ये किसका फलन है, ये मजदूरी का फलन है। यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा घंटे काम करना पसंद करूंगा, अगर श्रम की पूर्ति वेज कम है तो हम कम घंटे काम करेंगे, श्रम की पूर्ति कम होगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो श्रम की पूर्ति होती है वो वास्तव में मजदूरी पर निर्भर करता है, और श्रम की गतिशीलता पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है, पूर्ति की लोच पर। अगर अर्थव्यवस्था में वेज बढ़ते ही, थोड़ा सा वेज बढ़ा, कितना 10% वेज बढ़ गया मान लो, और अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ लेबर हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए केरल में रेट बढ़ा, केरल में मजदूरी 10% बढ़ी, तो यूपी के लोग जाकर के केरल जॉब करने लगे, यानी सप्लाई ऑफ लेबर तुरंत बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तव में श्रम में गतिशीलता थी, और श्रम में गतिशीलता
आपूर्ति की लोच को रिप्रेजेंट करता है कि अर्थव्यवस्था में मजदूरी में परिवर्तन आते ही, मजदूरी कम होते ही सप्लाई ऑफ लेबर हो गई। यदि गतिशीलता नहीं होगी, पूर्ति की लोच नहीं होगी, मजदूरी चाहे जितना आप कम कर दो, मजदूरी कम करते जाओगे सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी हाल ही के दिनों में हमने कोविड पर देखा, कोविड के कारण दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लोगों ने ज्यादा वेज देने का वादा किया, बट कोई श्रमिक नहीं गया उनके पास। ठीक है, वेज अधिक होने के बावजूद भी श्रम की पूर्ति कांस्टेंट रही, तो क्या हुआ, हम क्या कहेंगे, गतिशीलता नहीं थी, और गतिशीलता ना होने के कारण ट्रेन नहीं चल रही थी, बस नहीं चल रही थी, जिसके कारण सप्लाई ऑफ लेबर नहीं हो पाई थी। तो हम क्या कहेंगे, पूर्ति की लोच, किसकी, श्रम के पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच किस पे निर्भर करती है, गतिशीलता पे, यानी इट विल बी डिटरमाइंड बाय मोबिलिटी, अर्थव्यवस्था में कितना श्रमिक हमारा गतिशील है, क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब हमारे पास बात आती है, बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया, दिस क्वेश्चन ऑफ इन द एग्जाम आप पीसीएस में देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके पास यूजीसी नेट जीआरएफ में यही क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ति वक्र का पश्चिम अंकन क्या है, बैकवर्ड सप्लाई करो, बैकवर्ड क्यों हो जाती है, पीछे की ओर मुड़ क्यों जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है तो उसके कारण पूर्ति भी बढ़ेगी, श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा जाते हैं कंपनी में करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद जैसे अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर बढ़ती है, मजदूरी की दर बढ़ने के कारण, मान लीजिए एक लेवल के बाद जब मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति बढ़ने की बजाय घट जाती है। क्लियर है, एक कंडीशन होती है जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है, पहले स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जब मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ती है, यह फर्स्ट स्टेज बात है। लेकिन सेकेंड स्टेज में जब अर्थव्यवस्था में फिर मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति घटने लगती है, इसका कारण क्या है, तो यही फर्स्ट इफेक्ट जिसे हम स्थानापन्न प्रभाव कह सकते हैं, एंड सेकेंड इफेक्ट जिसे हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट कहेंगे। इन दोनों के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ति वक्र पश्चिम अंकन या पीछे की ओर मुड़ जाता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है, यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़े और मजदूरी बढ़ने के कारण लोग जाएं और उस कंपनी में काम करें, सप्लाई ऑफ लेबर हो, यानी मजदूरी बढ़े और लोग पहुंच जाए उस कंपनी में, तो इस प्रभाव को हम स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे, स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे, अर्थात मजदूरी बढ़ने के साथ साथ श्रमिक वहां पहुंच जा रहे हैं काम करने के लिए, और मजदूरी घटने के साथ साथ श्रमिक वहां से हटने लगते हैं, तो इसे प्रभाव को क्या कहेंगे, स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में वेज बढ़े तो वेज बढ़ने के साथ साथ वो पूर्ति कम कर दे, इस प्रभाव को हम लोग क्या कहेंगे, आय प्रभाव कहेंगे, ये इनकम इफेक्ट है, आय प्रभाव के नाम से जाना जाएगा। लोगों को शुरू में आवश्यकता होती है, इसलिए मजदूरी बढ़ने के साथ साथ वो भाग करके जाते हैं और सप्लाई करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद जब उनकी मजदूरी बढ़ती है तो वो काम की जगह आराम को प्रेफरेंस देने लगते हैं, आराम को प्रमुखता देते हैं, इसलिए आय प्रभाव कार्य करने लगता है। अरे क्या करेंगे, आपका वेतन बढ़े, आप तुरंत काम करना का बंद कर दो, क्या करेंगे, जान थोड़ा दे देंगे, लोग काम की जगह आराम को प्रेफरेंस देने लगते हैं। और इस प्रकार का डेटा हमें स्वीडन से मिलता है, नॉर्वे से मिलता है। स्वीडन और नॉर्वे में अगर लोगों का वेतन बढ़ जाता है, वेज बढ़ जाती है, तो वहां के लोग कम काम करते हैं और घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, टूर पर निकल जाते हैं, छुट्टी लेकर के टूर पर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में
दो प्रभाव होते हैं, एक स्थानापन्न प्रभाव जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़े और मजदूरी बढ़ने के साथ साथ उनकी पूर्ति भी बढ़े, मजदूरी घटे तो पूर्ति भी घटे, इसे स्थानापन्न प्रभाव कहेंगे। जब अर्थव्यवस्था में वेज बढ़े और वेज बढ़ने के साथ उनका सप्लाई घट जाए, वो कम घंटे काम करना प्रारंभ कर दें, तो इस प्रभाव को हम आय प्रभाव के नाम से जानेंगे। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हमने आधार अक्ष पर सप्लाई ऑफ लेबर को ले लिया है, लंब अक्ष पर वाई पर हमने क्या लिया है, हमने वेज को मजदूरी को ले लिया है। इस प्रकार हमारे पास ये पूर्ति रेखा SL पूर्ति रेखा है, जो आप देख सकते हो कि इसकी दो ढाल है, एक इस पॉइंट को हम A रख देते हैं, दूसरे पॉइंट को हम B रख देते हैं। तो देखिए SLB तक पूर्ति रेखा क्या हो रही है, ये रेखा में स्लोप धनात्मक है, लेकिन B से SL तक आप देखिए यहां से ये क्या करती है, ये पीछे की ओर मुड़ जा रही है। क्लियर है, हम चर्चा करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी OWN1 है, देखिए ये मजदूरी है, तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति SL1 है, इतनी है, और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर रहते हैं, तो एट A पॉइंट पर क्या है, मजदूरी OW1 है प्लस श्रम की पूर्ति OSL1 है। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है वेज बढ़ने के कारण, जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है तो वी कम एट बी पॉइंट, हम बी पॉइंट पर आ जाते हैं, और बी पॉइंट पर हम देखते हैं कि मजदूरी बढ़कर के OW2 हो जाती है और इसके कारण श्रम की पूर्ति बढ़कर के SL2 हो जाती है, OSL2 हो जाती है, और हम कहां पर A पॉइंट से B पॉइंट की ओर आ जाते हैं। A से हम कहां पर आ गए, B पॉइंट पर आ गए। तो देखिए मजदूरी बढ़ने से, ये मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ने से श्रम की पूर्ति हमने बढ़ा दिया, तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। जो ये रेड कलर से आप देख सकते हैं A से B पर जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब हम देखते हैं ये आपका A पॉइंट था, ये आपका B पॉइंट था, ये आपका W1 था इसके पहले, और ये आपका W2 था, और ये आपका SL1 था, ये SL2 है, ओके, और आप यहां से यहां पे आ गए थे और मजदूरी आपकी बढ़ करके यहां से यहां हो गई थी, यही था। अब मान लीजिए यू आर एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पर पुनः आपकी मजदूरी बढ़ती है, अब बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पर आ जाते हो, मजदूरी कितनी बढ़ जाती है, OW3। अब आप बी पॉइंट पर हो, बी पॉइंट पर OW3 प्लस कितना है, OSL2 पर हो, सॉरी 2 पर, आप OW2 पर हो ना, OW2 पर हो। तो यहां पर अब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है, सपोज दैट वेज इंप्रूव्ड होने से हम आ जाते हैं सी पॉइंट पर, ये आपका है सी पॉइंट पर, और यहां पर मजदूरी बढ़कर के कुछ ये हो जाती है OW3 हो जाती है, और आप देखिए यहां पर मजदूरी OW3 हो गई, मजदूरी OW3 हो गई, बट श्रमिक की पूर्ति जो OSL2 थी वहां से घट करके कितनी हो जाती है, SL3 हो जाती है, तो OSL3 हो जाती है। तो देखिए जहां पर श्रमिक वापस आ गए अर्थात काम करना कम कर दिए, तो इस प्रकार देखिए मजदूरी तो बढ़ी, मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति पहले से कम हो जाती है, तो ये वेज इंप्रूव हुआ, देखिए यहां पर वेज बढ़ा, वेज बढ़ने से श्रम क्या हुआ, श्रम की पूर्ति जो होती है वो कम हो गई। तो इस प्रकार बी से सी पर जाना ये जो आपका है दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, और ये देखिए सप्लाई कर्व पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं श्रम की पूर्ति वक्र का पश्चिमांकन, यही पश्चिमांकन है, ठीक है। और यहां पर सप्लाई कर्व की स्लोप निगेटिव हो जाती है, जो आपकी स्लोप होती है ये निगेटिव हो जाती है, तो निगेटिव होने का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में इनकम इफेक्ट काम करता है।
क्लियर है। तो इस प्रकार पूर्ति रेखा आपके पास दो ढाल की होती है, एक धनात्मक ढाल, धनात्मक ढाल को हम लोग इनकम इफेक्ट के नाम से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से जानेंगे, और जब हमारे पास ढाल निगेटिव हो जाती है तो हम क्या कहते हैं इसको, इनकम इफेक्ट का नाम देंगे। आइए इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये श्रम बाजार में डिमांड रेखा, डिमांड ऑफ लेबर, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, बोथ आर इक्वल एट पॉइंट ई पॉइंट पर इक्वल है। ये रेखा एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज को रिप्रेजेंट करती है। वही आपके पास जो हमारे पास ये आपके पास टू स्लोप्स हैं, एक रिप्रेजेंट करती है दैट इज एवरेज ए आर पी और दूसरी रिप्रेजेंट करती है एम आर पी। ए आर पी और एम आर पी को रिप्रेजेंट करती है, और यहां पर हम देख सकते हैं सीमांत आगम उत्पादन एम आर पी और औसत आगम उत्पादन है। क्लियर है। तो ये लाइन को हमने देखा है प्रतियोगिता की स्थिति है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, जहां ई पॉइंट पर एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज इज इक्वल टू क्या होगा ए आर पी इक्वल टू एम आर पी, यानी चारों चीज यहां पर बराबर है, इस पॉइंट पर चारों चीज बराबर है, अर्थात फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है, सामान्य लाभ मिल रहा है। ये सामान्य लाभ की स्थिति है जहां पर क्या कहते हैं सीमांत उत्पादन मार्जिनल वेज के बराबर हो, यानी एम आर पी इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, और अर्थव्यवस्था में इतने श्रमिक लगते हैं ओ एल वन श्रमिक। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं ओ एल वन श्रमिक लगते हैं। जब अर्थव्यवस्था में किसी कारण से श्रम की मांग बढ़ करके ये हो जाती है तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से हो जाता है ई वन। अब हमारे पास जो ए डब्ल्यू इक्वल टू एम डब्ल्यू था, एम डब्ल्यू था, ये शिफ्ट होकर के हो जाएगा ए डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम डब्ल्यू वन, और हमारे पास न्यू